मुंबई म्हटलं की या महानगरीत सर्वच लोक आपलं छोटंसं घर असावं या प्रयत्नात असतात, आणि याचाच फायदा घेता ते विनय मिश्रासारखी लोक गेल्या 5 वर्षांपासून मुंबईमधील नायगाव ईस्ट विरार स्टेट येथे अंडर महा कन्स्ट्रक्शनचे काम सुरू होते. येथे 3 बिल्डिंग बनवल्या जात होत्या. महा कन्स्ट्रक्शनचे हे काम सुरू असताना यात ग्रामपंचायतीचा देखील अप्रुव्हल होता, पण 2 बिल्डिंगचे काम पूर्ण होऊन 3ऱ्या बिल्डिंगचे 1st and 2nd फ्लोअर पूर्ण झाले, आणि त्यातच अचानक ग्रामपंचायतीचा इश्यू निर्माण झाला, काम अर्धवट सोडण्यात आलं. या सर्व प्रकारात खरा कारभार समोर आलाय तो एकच फ्लॅट 2 लोकांनी विकत घेतल्याचा. विनय मिश्राने एकाच बिल्डिंग मधील एक फ्लॅट 2 जणांच्या नावावर विकल्याचा प्रकार समोर आलाय. सर्व लोकांनी एकत्र जमत या बिल्डरला जाब देखील विचारलाय. बघा हा व्हिडिओ. नेमका या व्हिडिओत कळतंय की हा बिल्डर चुकी झाल्याचं लोकांना सांगतोय. सुनो मैं क्या बोल रहा पहले वो ये करो. आपने एक कोई फ्लैट बेचा है? नहीं, एक को नहीं, दो दो एग्रीमेंट. आपने फ्रॉड किया इधर? देखो जो गलतियां अगर हुई है. गलती नहीं बोल रहा, इसको गलती बोलते हैं क्या विनय जी? पुष्टि किया है आपने? फ्रॉड मतलब इसको गलती बोलते हैं क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मैंने हम लोग को जबरदस्ती रूम नहीं मांगा था आपसे. फ्लैट एक एक फ्लैट 4-4 5-5 आदमी को बेचा है, इसका नाम बताएंगे, उसको बोलेंगे ये भाड़ुतरी है. इसमें सोल्यूशन क्या करने वाले आप? अभी रास्ता निकाले, बिल्डिंग काम चालू कराओ पीछे का. कैसे? उसको परमिशन ही नहीं है 3 नंबर इसका बिल्डिंग का, वो पीछे वाला. किधर परमिशन है? आपको पहले बोलना चाहिए था कि निकाल ना किधर है. तो उसको पीछे करने वाले थे ना, इसको भी 2 दिन को फ्लैट 3-3 जन को फ्लैट बेचे है. झगड़ा नहीं होता था. देखो झगड़ा वाली बात नहीं, अगर झगड़ा बात नहीं हो गया वो प्रॉब्लम. ये बंदे का पैसा 4.5 लाख रुपए आपका कितना दिन से पड़ा है बताओ जरा. 4 साल हो गया. 4 साल बराबर 4 साल में अगर ये 4.5 लाख 5 साल हो गया तो क्यों नहीं पता रिटर्न किया? 13 से खाली है. 13 से आपको सब पता है. 13 से. अरे तो अपना क्या करना है वो? अभी तू इतना ये सब है अभी मालूम नहीं रहा है सबके सामने ये सब किया है तूने. ये फ्रॉडिंग की आदत हो गई है, लेकिन ये गरीब लोगों को आदत नहीं हुई है. आदत नहीं है. नहीं नहीं नहीं, आदत ही हुई है. एक एक फ्लैट अपने 4-4 जन को बेचा है यहाँ पे. आप एक एक फ्लैट भाई भाई देखिए किस रास्ते में बेचा, वो क्या रास्ता निकालेंगे उसका भी बताओ. कितने बेचाऊ? इसको 5 में बेचा है, दूसरे को 5-6 में बेचा है, तीसरे को 5-6 में बेचा है. इनका फ्लैट पूछो कहाँ था. अभी आंटी का रूम सुनो. आंटी का रूम. एक एक का मैटर सॉल्व करना. आप इनका फ्लैट कहाँ था पूछो. तेरा फ्लैट किधर था? अभी मैं सही बात बताऊं? स्टार्टिंग ये देखो, पहले इनको रूम दिखाया, वही रूम है स्टार्टिंग में आपका फ्लैट कहाँ था? बिल्डिंग नंबर 1 जो टूट गई. या व्हिडिओ मधून हेही समोर येत आहे की याने गेल्या 5 वर्षांपासून लोकांचे पैसे हिबडवले आहेत. लोकांना बडोदा बँकेचे चेक देऊन ते बाउंस झाल्याचाही प्रकार या ठिकाणी घडलाय. कित्येकांवर तर धुणं भांडी व इतर कामे करून पोट भरण्याची वेळ आली आहे. आता या विनय मिश्रावर पोलीस प्रशासनाची नजर कधी पडणार आणि याच्या या गैरकारभाराला कडी कधी बसणार असा सवाल या फसवणूक झालेल्या लोकांकडून केला जातोय. महेश कांबळे, दक्ष पोलीस न्यूज, मुंबई.